फ्रेंड्स नमस्कार, चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज इस वीडियो में मैं सामानों की खरीदारी से संबंधित बातों के बारे में बताऊंगा कि कौन सा सामान कब खरीदना चाहिए और कौन सा सामान किस दिन नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि गलत चीजों की खरीदारी पड़ सकती है भारी। जैसा कि हम जानते हैं कि नक्षत्र 27 होते हैं, इनमें प्रत्येक का अपना अपना महत्व है और ये अच्छे तथा बुरे दोनों प्रकार के हैं। सही दिन पर सही चीजों की खरीदारी आपकी सफलता में सहायक तो होगी ही, आप किसी भी तरह की हानि का सामना भी नहीं करेंगे और इससे बच सकते हैं। क्या शनिवार या रविवार को प्रत्येक सामान खरीदा जा सकता है? जी नहीं। जब अगली बार कुछ भी खरीदना हो तो इन बातों का ख्याल जरूर रखिएगा। आइए जानते हैं कि दिन के अनुसार खरीदारी का ज्योतिषीय सिद्धांत क्या कहता है। लेते हैं पहले दिन मंडे यानी कि सोमवार। सोमवार दिन होता है चंद्रमा ग्रह का। आइए जानते हैं सोमवार को क्या नहीं खरीदना चाहिए। सोमवार के दिन अनाज, गाड़ी, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान या गैजेट्स, खेल से संबंधित कोई सामान, कॉपी किताब, कला आर्ट से संबंधित वस्तुएं खरीदने से बचना चाहिए। इन्हें खरीदना अशुभ माना जाता है। क्या खरीद सकते हैं ये जानते हैं। सोमवार के दिन शंकर भगवान के नाम पर सफेद वस्तुएं जैसे चावल, चांदी, दूध, इससे बनी मिठाइयां, सफेद कपड़े, पानी से संबंधित चीजें जैसे एक्वेरियम, रुई, दवाई खरीदना शुभ होता है। सोमवार को खरीदी गई दवा अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगी और बीमारी जल्दी ठीक होगी। मंगलवार यानी कि ट्यूजडे। आइए पहले जानते हैं मंगलवार के दिन हमें क्या नहीं खरीदना चाहिए। मंगलवार दिन है मंगल ग्रह का। मंगलवार के दिन फर्नीचर, नुकीली चीजें जैसे कैंची, चाकू, सुई या कोई हथियार, लोहे का सामान, तिजोरी, काले रंग के कपड़े, पर्स, एक्वेरियम, जूते, मोबाइल, सजावट का सामान, श्रृंगार का सामान, नाखून काटने वाला नेल कटर, दूध से बनी हुई चीजें भूलकर भी हमें नहीं खरीदना चाहिए। मंगलवार के दिन नाखून भी नहीं काटना चाहिए और बाल भी नहीं बनवाना चाहिए। आइए जानते हैं कि मंगलवार के दिन क्या खरीदना शुभ होता है। मंगलवार को लाल रंग की चीजें, प्रॉपर्टी से जुड़े हर काम, रसोई घर का सामान खरीदने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। अग्नि तत्व होने के कारण गैस का सिलेंडर, चूल्हा, हीटर भी हम खरीद सकते हैं। बुधवार यानी कि वेंसडे। बुधवार का संबंध है बुध ग्रह का। सबसे पहले जानते हैं कि बुधवार को हमें क्या नहीं खरीदना चाहिए। बुधवार के दिन ज्वलनशील उत्पाद या पदार्थ, चावल, लकड़ियां, गैस, बर्तन, दवाइयां, आंखों से संबंधित सामान, एक्वेरियम, धारदार वस्तुएं भूलकर भी हमें नहीं खरीदना चाहिए। जानते हैं क्या खरीद सकते हैं। बुधवार के दिन किसी भी प्रकार का खेल का सामान, अध्यात्म से जुड़ी धार्मिक पुस्तकें, घर की सजावट से संबंधित जुड़ी चीजें, ज्ञान विज्ञान की सभी पुस्तकें, खेल कला से संबंधित कोई भी वस्तु, स्टेशनरी आदि खरीदना शुभ माना जाता है और सफलता प्राप्त होती है। बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे। बृहस्पतिवार का संबंध है बृहस्पति ग्रह से। आइए जानते हैं कि इस दिन हमें क्या नहीं खरीदना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन वॉशिंग मशीन, आंखों से संबंधित कोई भी सामान, सर्फ, साबुन, पानी और बर्तन संबंधित कोई सामान, धारदार वस्तु हमें भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए। इस दिन धोबी को कोई कपड़ा नहीं देना चाहिए और न ही उसके घर से कोई कपड़ा लाना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन का दिया हुआ धन तेजी से निकल जाता है। सारे भुगतान बुधवार या शुक्रवार को किया जाना चाहिए।
आइए जानते हैं कि बृहस्पतिवार के दिन क्या खरीदना शुभ होता है। बृहस्पतिवार के दिन प्रॉपर्टी से संबंधित, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कपड़े, ज्ञान विज्ञान से जुड़ी वस्तुएं, लड़की या विवाहताओं के लिए जेवर, आभूषण, गहने, सिंदूर खरीदना अच्छा माना जाता है। शुक्रवार यानी कि फ्राइडे, शुक्रवार का दिन शुक्र ग्रह का है। ये धन की देवी मां लक्ष्मी का भी दिन होता है। आइए जानते हैं कि शुक्रवार के दिन हमें क्या नहीं खरीदना चाहिए। इस दिन खट्टी चीजें, रसोई घर का सामान, प्रॉपर्टी, गाड़ी, इलेक्ट्रॉनिक सामान, पूजा पाठ का सामान भूलकर भी हमें नहीं खरीदना चाहिए। शुक्रवार के दिन सौंदर्य प्रसादन की वस्तुएं, जूते, पर्स, बेल्ट, घर या ऑफिस के लिए सजावट की चीजें खरीदना बहुत ही अच्छा माना जाता है। शनिवार यानी कि सैटरडे, शनिवार का दिन शनि ग्रह से संबंधित होता है। अतः शनिवार को धारदार वस्तुएं, पर्स, अलमारी, मसाले, लाल रंग की चीजें, अनाज, रसोई घर से संबंधित वस्तुएं, अनाज पीसने की मशीन, लोहे का सामान, नमक, सरसों का तेल, लोहे की चीजों की खरीदारी भूलकर भी हमें शनिवार के दिन नहीं करना चाहिए। शनिवार को अगर हम नमक खरीदते हैं तो ये हमारे कर्ज को बढ़ाता है। शनिवार के दिन खरीदा गया नमक रोग को भी बढ़ाता है। शनिवार को शनि देव के ठीक सामने नहीं जाना चाहिए। ये तेज को जला देते हैं यानी कि हर लेते हैं। शनिवार को क्या खरीदना चाहिए? शनिवार को गहने, चांदी, हीरा, पन्ना, कपड़े, नीलम, जानवरों से संबंधित वस्तुएं, लोहे का सामान छोड़कर खरीद सकते हैं। रविवार यानी कि संडे, रविवार के दिन सरसों का तेल, लोहे का सामान, बाग बगीचे का सामान, हार्डवेयर का सामान, फर्नीचर, घर बनाने का सामान, गाड़ी से संबंधित सामान नहीं खरीदना चाहिए। रविवार के दिन कुछ भी खरीदें लेकिन सरसों का तेल न लगाएं, न खरीदें, न खाएं। क्या खरीदें रविवार के दिन? रविवार के दिन लाल वस्तुएं, तांबा, गेहूं, आंखों से संबंधित सामान, सोना, बिजली या अग्नि से संबंधित सामान, कैंची, पर्स खरीदना अच्छा माना जाता है। रविवार प्रभावित रहता है सूर्य ग्रह से। ये सूर्य का दिन भी है। महिलाओं को कम से कम तांबा या उससे संबंधित कोई सामान कम से कम धारण करना चाहिए, क्योंकि ये मंगल ग्रह की धातु होती है। तो ये थी जानकारी किस दिन क्या खरीदें और क्या न खरीदें। अगली बार जब भी आप कुछ शॉपिंग पे निकलें तो इसका ध्यान अवश्य रखिए। हो सके तो इन जो जरूरत की चीजें हो उनको आप नोट भी कर लें। आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक तो बनता ही है एवं अन्य को शेयर भी इसको बनता है। चैनल में यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन इसकी शीघ्र मिल जाए। नई जानकारी के साथ नई वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपका कल्याण हो। नमस्कार।